बिहार सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 10th पास करने पर 10,000 रुपया दिया जाता है, वही अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट यानी कोई भी लड़की 12th पास करता है तो आप लोगों को 40,000 साथ में 35,000 रुपया दिया जाता है, साथ में सभी कास्ट के लिए आप लोगों को 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, साथ में वही अगर आप लोग SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वही आप लोगों को 15,000 साथ में 10,000 आप लोगों को एक्स्ट्रा में स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं या अगर आप लोग अभी तक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, अगर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में इसमें समस्या आ रहा है, आप लोगों को OTP नहीं जा रहा है या अगर आप लोग कोई कारण से किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है तो आज किस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इसका लास्ट डेट जो है 15 मई 2024 तक ये लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ आज किस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग अगर आप लोग मैट्रिक पास है या अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में बहुत स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 यानी आप लोग जो भी स्टूडेंट मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करते हैं उसको 10,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, वही अगर आप लोग सेकेंड डिवीजन भी करते हैं अगर SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो आप लोगों को 8,000 स्कॉलरशिप मैट्रिक में दिया जाता है, वही अगर आप लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट है 12th पास है अगर आप लोग कोई भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन करने पर आप लोगों को 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है बिहार सरकार की ओर से, वही अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के अंतर्गत इंटरमीडिएट पास करते हैं तो आप लोगों को 25,000 स्कॉलरशिप मिलने के साथ साथ आप लोगों को 15,000 साथ में फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो 15,000, वही सेकेंड डिवीजन करते हैं तो आप लोगों को 10,000 स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा में दिया जाता है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को मेरा छात्रवृत्ति के योजना के अंतर्गत आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जो की एक्स्ट्रा मिलता है 15,000 और 10,000 उसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों को लास्ट डेट जो है 15 मई 2024 तक रखा गया। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वेबसाइट में बहुत एरर है जिसके कारण स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या आ रहा है, कभी काल इसका वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है, कभी काल इसका ऑनलाइन आवेदन जैसे करते हैं तो उसका आप लोगों के बीच में ही ऑनलाइन आवेदन करते समय स्टूडेंट का एरर आ जाता है, कभी काल स्टूडेंट का आधार नंबर वेरीफाई नहीं होता है वहां पर एरर का ऑप्शन आ जाता है, साथ में ऑनलाइन आवेदन करने में बहुत कठिनाई पड़ रहा है, साथ में OTP भी प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसका लास्ट डेट जो है 15 दिन या 30 दिन के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा। जो शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यानी शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जो जानकारी दिया गया है हमें, वो उसमें बताया गया है कि आप लोगों को वेबसाइट में यहाँ से ऊपर से ही प्रॉब्लम है, यानी शिक्षा विभाग से ही आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कॉलरशिप जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं वेबसाइट शिक्षा विभाग से ही वेबसाइट में समस्या आ गया, जिसके कारण टेक्निकल इश्यू आने के कारण इस वेबसाइट पर लगातार काम चल रहा है और इसको सही करने की आप लोगों को प्रक्रिया चल रहा है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आप लोगों का लास्ट डेट जो है 30 मई यानी 30 मई 2024 तक बढ़ने की 100% संभावना है, हो सके तो ये आप लोगों को 15 जून तक भी बढ़ सकता है। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दिया गया 30 मई तक आप लोगों को 100% बढ़ने की संभावना है ही, लेकिन 15 जून तक आप लोगों की संभावना जो है 50% बढ़ने की चांस है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए या छूट गए तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को 100% डेट एक्सचेंज होगा जो कि 30 मई 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा और यहाँ पर फिर भी प्रक्रिया चल रहा है कि इसको 15 जून तक बढ़ाया जाए। अगर 15 जून तक आप लोगों का लास्ट डेट बढ़ाया जाता है तो अच्छी बात है, और साथ में आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 30 मई तक आप लोगों का बढ़ना 100% कन्फर्म है। तो आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को कहां से मिला, तो आप लोगों को इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया, आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 मई या 15 मई को आप लोगों की इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि आप लोगों को इस चैनल के द्वारा फिर से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सारी अपडेट दिया जाएगा, साथ में उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप लोग आसानी से स्कॉलरशिप का अपडेट पल पल का ले सकते हैं, वहां पर सारी स्कॉलरशिप का अपडेट दिया जाएगा, साथ में वहां पर लड़का और लड़की दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर प्रवेशी लगा रहता है, कोई किसी का नंबर नहीं निकाल सकता है, तो आसानी से आप लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।